विकी कौशल. कैटरीना भाई मैडम ले गई उनको, तो क्रश है यार. क्रश है, शादीशुदा भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है. आयु भी तो क्रश हो सकती है फिर आपकी. हाँ मैं पागल हुआ पड़ा. पहले सच में तो मैंने नाम ही पहली बार सुना. कोई बात नहीं, आज फोटो दिखा दे, फोटो दिखाना चाहिए. ठीक हो गए है कौन ये. मैं बड़ी एक्चुअली मैं बहुत सिंपल शांत किस्म की लड़की थी. आई हैव डन सो मेनी वियर्ड थिंग्स खाना नहीं खाने के चक्कर में. मैं रोटी को ऐसे लपेट के मेरे स्टडी टेबल में ड्रॉअर में छुपा देती हूँ. मेरी लाइफ सिर्फ पढ़ाई तक ही लिमिटेड थी, बिकॉज मेरे गोल्स, मेरा एम उस टाइम पे बहुत डिफरेंट था. रिजेक्शन मिला है, अभी भी मिलता है. मतलब आप ऐसे डीमोटिवेट होके थोड़ी बैठ सकते हो कि भाई हमें सिलेक्ट नहीं किया. आई स्टिल बिलीव वो मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट, बड़ा मोमेंट रहा है. व्हाट टर्न्स यू ऑन? व्हाट इज द क्वेश्चन? तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो पे, जिसका नाम है पॉडकास्ट अड्डा विद गौतम नैन एंड पुलकित राघव, प्रेजेंट्स बाय नित्यारणा फार्म्स, टेस्ट दैट ट्रेडिशन. तो आज के हमारे गेस्ट है एलिशा, स्वागत है. वेलकम. थैंक यू, थैंक यू. पॉडकास्ट नहीं, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ. मेरी एक्साइटमेंट इतनी रहती है. पॉडकास्ट अड्डा. पॉडकास्ट अड्डा. हाँ अड्डा. नाइस. तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे आके? क्यूट. और कॉलेज की नहीं, मतलब की है मैंने, बट कॉलेज गई नहीं हूँ. सो मेरा ग्रेजुएशन से मैंने बचपन से सुना. मैंने बोला क्या? नहीं. हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी. अच्छा. सो क्या, तो यही था बचपन की चीजें बताओ. क्या थी पढ़ाई में, कैसी थी, कैसी लाइफ थी बचपन की? स्कूल टाइम से स्टार्ट करते हैं. बहुत टाइम में किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया. सो आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर मी टू रीलिव माय चाइल्डहुड. मैं बड़ी एक्चुअली मैं बहुत सिंपल शांत किस्म की लड़की थी. वैसी बच्ची होती है ना जो पढ़ाई में बहुत अच्छी. अच्छा. और टीचर्स की बड़ी फेवरेट. फिर लड़कों की फेवरेट नहीं, लड़कों की दुश्मन. क्यों? उनकी कंप्लेन करने वाली. अच्छा. आप क्लास मॉनिटर थे? हाँ, मैं क्लास प्रीफेक्ट हमेशा होती थी. तो मतलब ऐसा होता था कि एवरी वन मंथ या टू मंथ आपका क्लास प्रीफेक्ट चेंज होता है ना. तो ऐसा होता था कि साल में एटलीस्ट दो या तीन बार तो मैं प्रीफेक्ट बनती ही बनती थी. So, मतलब मेरा एक ऐसा था कि मैं हूँ, ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं हो. यू नो वैसा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तुम लोग को मैं भाव नहीं दूंगी. इन दैट सेंस. सो मतलब मैं वैसी थी. टीचर्स को जाके बोल देना किसी ने कुछ किया है ऐसे. बट आई वॉजंट अ वेरी मिस्चीवियस चाइल्ड. मैं ये सब ठीक है, बट अदरवाइज आई वॉज अ वेरी डिसेंट, वेरी सॉर्टेड चाइल्ड. एक होता है ना कि एक बच्चे में बचपना है. मे बी उस मेरे में था, बट आई वॉज मच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स. तो मिस्चीवियस नहीं थी, मैंने शैतानियां नहीं की. अच्छा, मतलब इसीलिए आई स्टार्टेड विद दैट कि आई वॉज अ वेरी सिंपल चाइल्ड. और बहुत सॉर्टेड सी थी. मुझे पता रहता था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं. मेरी मम्मी को
मेरे पीछे नहीं घूमना पड़ता था ये कहने के लिए कि भाई जाओ तुम पढ़ाई करो. अच्छा, आई वुड नो कि मुझे क्या करना है. यू ऑल डोंट नीड टू टेल मी. टेल टाइम टू टाइम. हां, मुझे सब पता था. एक चीज के लिए मेरी मम्मी घूमती थी मेरे आगे पीछे, दैट वाज खाना. जब मैं बच्ची, मतलब मुझे खाना नहीं पसंद था. चॉकलेट पसंद थी मुझे. हाँ, गंदा खाना पसंद था. जो घर वाले नहीं चाहते बच्चा खाए. जो घर वाले नहीं चाहते कि बच्चा खाए. बट सो हाँ, मैं वैसी ही थी कि मुझे घी में ऐसे लथपथ रोटी दी है सब्जी के साथ, एंड मैं रोटी को ऐसे लपेट के मेरे स्टडी टेबल में ड्रॉअर में छुपा देती हूँ. खानी ना पड़े. हाँ, खानी ना पड़े. घी नहीं चाहिए मुझे. घी नहीं, रोटी ही नहीं चाहिए. आई हैव डन सो मेनी वियर्ड थिंग्स खाना नहीं खाने के चक्कर में. खाना ऑब्वियसली गलत किया उस टाइम. पता नहीं था कि ऐसे खाना फेंकना, अन्न को फेंकना नहीं चाहिए. बट बचपन में इतना सब किया. आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बट इट्स जस्ट समथिंग जो मैंने ऐसे किरकी है. कि जैसे पानी का ग्लास होता है, खाना दिया है तो मम्मी ऐसे जा रही, मैं ग्लास के ऊपर हाथ रख रही हूँ, एक एक रोटी अंदर पानी में डाल रही हूँ और फिर वो फेंक देती हूँ. I've done all of that. मम्मी को पता चला कभी? हर बार पता चला. अच्छा, हर बार पता चला. तो क्या होता था फिर? पिटाई? पिटाई नहीं होती थी. मम्मी ने कभी मारा नहीं, बट डांट बहुत ज्यादा पड़ती थी. एक अलग तरीके का रिएक्शन मम्मी से मिलता था जो आप अब बहुत डर जाते हो वो देख कर ही. बातें नहीं, बात ही नहीं करती थी. आई थिंक दैट इज स्केरियस्ट थिंग एक बच्चे के लिए. मतलब होता ना, मम्मी बात ही नहीं कर रही है, लाइक एक दो दिन तक बात ही नहीं करी. समझाया ये वो, बट देन अगेन वो एक कोल्ड वॉर सॉर्ट ऑफ चल रहा है मम्मी का मेरे साथ. सो हाँ, ऐसी पापा से भी कंप्लेन करती होंगी फिर. पापा क्या बोलते? पापा से करती थी, बट सी पापा का ऐसा था कि मम्मी का मैटर है, वो अच्छे से बेटर वो हैंडल करती है. तो मम्मी से, मम्मी को ही वो करने देते थे. तो फैमिली में भाई है ना आपका? हाँ, मेरा भाई है. तो आप दोनों की बनती है या लड़ाइयां भी होती है? बट नॉट लड़ाइयां, वो एक दूसरे को तंग करने वाली जो चीज होती है ना, वो वैसी सी होती है. तो फैमिली का वो प्यारा बच्चा कौन था, तुम या भाई? नहीं, आई थिंक मेरा भाई, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज सी, वो हमारे पूरे खानदान में सबसे छोटा है. लाइक वो लास्ट बच्चा है. ओके, सो वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड भी है. उसे बहुत ज्यादा ऐसे लाड इतना मिला है ना. तो आई थिंक जेलस होते. मैं नहीं जेलस होती. मुझे मम्मी ने मुझे नहीं दिया आपने. नहीं, इनफैक्ट वो वैसा है. अच्छा? वैसा था अभी. हाँ. नहीं, बट वो वैसा था. ऐसा होता था ना कि जब वो पैदा हुआ, लाइक वी हैव अ 6 ईयर एज गैप डिफरेंस है. तो अगर जब वो छोटा था, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में थी, तो ऑब्वियसली स्कूल जाने के लिए छोटी मम्मी बना रही है या कुछ, तो वो भी नहीं करने देता था. अच्छा. वो रोता था, वो ऐसे मेरे को ऐसे करके हटाता था कि मेरी मम्मी. बिकॉज हाँ, वो अब बताती है ना, क्योंकि हमें एज अ किड उतना ये सब याद नहीं रहता है, बट मम्मी को सभी पता होता है. तो कई बार बातें होती है तो बताती है कि वो जैसे उसके एक फेवरेट बिस्किट हुआ करते थे, तो वो नहीं खाता था, तो मम्मी बोलती थी कि हेली को दे दूंगी, तो वो तुरंत खा लेता था. एक होता ना गांव में, ऐसे होता ना कि भाई अगर तू नहीं आएगा तो वो चोर आ जाएगा, खा ले. आई रिमेम्बर उसका एक प्रोटीन बिस्किट डॉक्टर ने दिया था, रेकमेंड किया था, तो उसको खाने के लिए बोला था. तो रोज उसको, और बट दे वांट लाइक द मोस्ट टेस्टी बिस्किट्स. ओके, तो कई बार वो नहीं खाता था, तो मम्मी वो बोलती थी कि तू नहीं खाएगा तो इसको मिलेगा, तो वो तुरंत. एंड आई हैव सीन दैट, आई रिमेम्बर दिस, ये देखा है मैंने. सो हाँ, तो वो बचपन में वो था. मैं बिल्कुल नहीं हूँ. आई डोंट थिंक मुझे कभी वैसी जेलसी या वैसा हुआ है. एंड आई एम जस्ट नॉट लाइक दैट. और एक फैमिली में ऐसा होता है ना, दो बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा मम्मा का फेवरेट होता है, एक पापा का. तो कौन किसका फेवरेट था? हाँ. आई थिंक मेरी मम्मी के तो दोनों ही फेवरेट है. पापा के लिए आई थिंक मेरा भाई फेवरेट. भाई, ओके. तो इसके बाद आप स्कूल चला, स्कूल लाइफ अच्छी थी, पढ़ने में अच्छे थे आप? मैं तो बहुत ही सही थी स्कूल. हाँ, हाँ, हाँ. लड़के ट्राई तो करते होंगे. क्यों, बिल्कुल इतने प्रीटी लड़कों ने ट्राई तो किया होगा खूब. इतना नहीं, बिकॉज आई टेल यू वॉट, मेरा जो स्कूल था वो अगेन बहुत ही
अब जाके जैसे स्कूल्स होते हैं वैसा नहीं था. इट वॉज अ वेरी सिंपल अगेन अ वेरी मिडिल क्लास स्कूल जहाँ पे ये सारा कल्चर हुआ ही नहीं. जब तक ये डेवलप हो रहा था ये चीज़ें आ रही थी. यू नो लाइक लड़कियों में बहुत ज्यादा बातें होनी और ये मेरे स्कूल में उतना नहीं था. जब तक हम बड़े हो चुके थे तब जाके वो सब आ रहा था. सो मैंने वो उतना एक्सपीरियंस नहीं किया है. बट हाँ आई रिमेम्बर हम जब 10th 11th में आ रहे थे तब जाके वो चीजें थोड़ी सी हो रही थी. थोड़ा ओपन कल्चर आपको थोड़ा सा दिख रहा था कि हाँ एटलीस्ट लड़कियां भी एफर्ट लेके लड़कों से बात करती थी या लड़के आके बात करते थे. आई रिमेम्बर 8th तक तो उतना भी नहीं था कि हम फ्रीली ऐसे बिना शर्माए एक दूसरे से बात करें. एक 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 हेजिटेशन हमेशा रहती थी कि नहीं बात करनी है. ये होता था. सो बट हाँ अगेन एज अ गर्ल आपको पता चल जाता है कौन से लड़के को आप पे क्रश है क्या है. सो वो समझ आ जाता था. आपको नहीं था स्कूल में किसी में कोई तो हैंडसम लड़का ऐसा होगा था तो क्या अच्छा हुआ उसका कुछ नहीं कभी शो नहीं किया अपने फ्रेंड्स को बताया भी नहीं नहीं आज बता दो नाम बता दो खुश हो जाएगा. नहीं शादी हो गई क्या उसकी. नहीं आई डोंट नो मतलब ऑनेस्टली मैं काफी मेरे क्लासमेट से टच में हुई नहीं. हार्डली 3-4 है जिनसे मेरी बात होती है. इंस्टाग्राम पे तो मिला होगा आजकल सब नहीं ढूंढ लेते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स में आ जाता है. नहीं हाँ हो जाता है बट शादी तो नहीं हुई आई थिंक. तो आप ऐसे ही टाइम पास के लिए देख लेते हो. तो आया नहीं किसी का मैसेज उसका नहीं आया. नहीं उसका स्पेसिफिकली मैं ध्यान देके थोड़ी देख रही थी. नाम कई बार आपके फैंस भी मैसेज करते हैं तो आप ऐसे ही स्क्रॉल करके देख लेते हो टाइम रहता है तो. सो हाँ मतलब कभी ऐसे भी मैसेज आते होंगे बोलते होंगे मैं आपको जानता हूँ याद है हम वहाँ मिले थे हम एक ही क्लास में थे स्कूल में तो आप पहचान ना पा रही हो. नहीं ऐसा नहीं होता. इतनी मतलब मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि हमने साथ में पढ़ाई की एंड मुझे याद ही नहीं है कि अच्छा ये मेरा क्लासमेट था. नहीं ऐसा नहीं होता है. तो लकी बंदा कौन था वो यार मैं नहीं बता रही. भाव बढ़ जाएंगे. नहीं तो वही बात है लकी बंदे है. देखो सबको है ना हमारा मेरा तो लड़कों वाला कॉलेज था स्कूल भी लड़कों वाला था. हम तो उसी में जिए. हमारे तो हम साइड वाली जो स्कूल होते थे वहां जाते थे छुट्टी के बाद बस देखते थे. हमारा ये था कि देखो कहाँ पे पढ़ाई की. दिल्ली में. दिल्ली. अच्छा दिल्ली. हाँ मेरा स्कूल जिसमें हमारे क्या नाम सतीश कौशिक उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ. बट हमारा बॉयज था पर हमारे सामने एक लड़कियों का था. अच्छा हम छुट्टी होती थी उसकी 15 मिनट पहले छुट्टी होती थी. आई थिंक उसका भी एक डिफरेंट फन है. हाँ वो अलग फन होता फन 15 मिनट पहले छुट्टी होती थी उनकी पर हमारी 15 मिनट बाद. अच्छा तो हम ना पहले कूद के चले जाते थे आई कैंडी लेने के लिए. बस देखते थे हम उतने में खुश होते थे बस देख लिया उसी में और कोई देख के हंस गई तो ओहो दिन बन गया अपना. वेरी क्यूट. तो वो चल रहा था हमारा. तो आपके टाइम पे भी ऐसे ही होता था. आपके टाइम का सेम ही टाइम है यार. नहीं मतलब कोएड स्कूल में मैं पढ़ी हूँ बट अगेन जैसे मैंने बताया कि उतना वो धीरे धीरे वो सारी चीजें हो रही थी. हाँ उस टाइम पे अभी एकदम ही डिफरेंट सीन मिलेगा आपको स्कूल्स में. तो बट आई स्टिल रिमेम्बर ऐसे कई बार फ्रेंडशिप स्टे होते हैं होते हाँ. तो आप यूजुअली अपनी सारी लड़की यू नो गर्लफ्रेंड्स को आप बैंड देते हो बांधते हो. कई बार लाइक अगर आपका दिन बड़ा अच्छा है और हाँ. किसी लड़के ने आपको बैंड दे दिया हाँ. तो एक तो आपको काफी आपकी फ्रेंड्स चिढ़ाती भी हाँ. है ऐसे वाला. एंड इसी आप I mean it's a very pure feeling in a way कि वो एक बहुत अच्छा एक बहुत प्योर सा attraction sort of रहता है. एक liking होती है in a way. So I mean it's a very pure and a very nice feeling I'll say.
एंड देन उसके बाद क्या हुआ, मतलब यहाँ आपने कहाँ तक पढ़ाई की, 12वीं तक? नहीं, 12th तक किया. उसके बाद मैंने अपना बैचलर्स किया है केमिस्ट्री में. कहाँ से? ओपन यूनिवर्सिटी. ओपन से मतलब उसके बाद आप मुंबई आ गए थे क्या 12th के बाद? नहीं, मैंने एक्चुअली पहला शो किया जब मैं 10th में 9th का फाइनल एग्जाम दे रही थी. तो ये शो कैसे मिला, कैसे कैसे मिला, जर्नी बताइए. तो ऐसे बहुत डिटेल विस्तार में बताऊं या थोड़ा सा? आपकी मर्जी, जैसे मेरी मर्जी. चलिए ठीक है. सो बेसिकली मेरा भाई जो है वो अहमदाबाद में थोड़ा एक्टिंग वगैरह और वो सब करता था, लाइक गुजराती फिल्मों में थोड़ा बहुत काम उसने भी करा था. हाँ, रियल ब्रदर. सो वो उस टाइम पे करता था. एंड मेरी लाइफ सिर्फ पढ़ाई तक ही लिमिटेड थी, बिकॉज मेरे गोल्स, मेरा एम उस टाइम पे बहुत डिफरेंट था. आई हैड डिफरेंट एम, लाइक मुझे डॉक्टर बनना था, डिफरेंट प्लान थे मेरी अपनी लाइफ के. बट अगेन, मेरा भाई जब कर रहा था तो उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा, मम्मी ने मुझे डांस क्लासेस में ज्वाइन कराए. एंड आई वॉज डिसेंट, मैं अच्छी थी डांस क्लासेस में. एंड उसके बाद जैसे जैसे मेरा भाई करता था तो कई बार कुछ छोटा छोटा अगर कुछ रोल रहता था तो अगर मैं साथ में जाती थी तो मैं भी कुछ कर लेती थी अगर मुझे किसी ने बोला. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एक पापा के बहुत अच्छे दोस्त बने जो उसी इंडस्ट्री से है, लाइक फिल्म इंडस्ट्री एंड मतलब यू नो वहाँ पे गुजरात में. सो उन्होंने कहा कि मतलब यू नो उनके दिमाग में, उनकी नज़र में जो जो कुछ प्रोजेक्ट्स आते थे कि हाँ ये कुछ एक ड्रामा है, कर ले, बहुत अच्छा है एंड ऑल ऑफ दैट. सो उन्होंने वो सारी चीज़ें करवानी स्टार्ट की. बट अगेन, वो सारी चीज़ें ना वैसी थी कि प्रायोरिटी नहीं थी मेरी. मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई थी, है ना. तो वो सब मैं करती थी स्कूल के बाद. फिर एक टाइम आया जब मैं 8th में थी, आई थिंक 7th या 8th ग्रेड, जब मैं प्रॉपर ऐसे कमर्शियल थिएटर रहते हैं ना, तो बच्चों वाले मतलब कमर्शियल थिएटर्स बनते हैं बट ऐसे किड्स के लिए होते हैं, लाइक प्रॉपर आपका एक यू नो बच्चों के कैसे प्लेज रहते हैं वैसे वाले. तो मैं वो सारे करती थी. तो हम कई बार आउट ऑफ सिटी जाते थे शोज लेके, तो वो सारी चीज़ें भी की. तो उन्हीं अंकल ने, मुकेश अंकल उनका नाम है, तो उन्होंने उनके कांटेक्ट में कास्टिंग डायरेक्टर आए जो जो यहाँ पे काफ़ी शोज के कास्टिंग करते थे. सो उन्होंने बोला कि अच्छा ये लड़की है, ठीक है उसे लेकर आओ हमारे, हम एक कास्टिंग कर दें एक शो की, देखेंगे अगर अच्छा परफॉर्म करती है या अच्छे सेट होती है. तो हाँ, मैं आई थी उनके साथ, मैं, मम्मी और, तो ऑडिशन दिया. उनको पसंद आ गई मैं. अच्छा, और सिर्फ एक ऑडिशन में? पहले ऑडिशन में? हाँ, पहले ऑडिशन में. बट स्टोरी ये है कि उन्होंने मेरे ऑलमोस्ट मतलब वो एक ऑडिशन लिया, उसके बाद उन्होंने काफ़ी लाइक 11-12 ऑडिशंस और लिए. अच्छा. कई सारी चीज़ें चेक करने के लिए या किसी जो मेल एक्टर था उसके साथ देखने के लिए. तो वैसे मैंने बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ ऑडिशन किए. मैंने अपने खुद के सोलो ऑडिशंस 4-5 किए होंगे, उसके बाद मैंने बाकी लोगों के साथ ऑडिशंस किए. तो ऑलमोस्ट 11-12 ऑडिशंस किए आई रिमेम्बर. एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड वो सारी चीजें. किस चीज का ऑडिशन था? एक टीवी सीरियल का. टीवी सीरियल, फर्स्ट टीवी सीरियल आपका? हाँ. टीवी सीरियल और सीवी? टीवी सी, टीवी सीरियल. ओके. टीवी शो. तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी चीजें हो गई थी. ऐसे था कि अभी शो का शूट स्टार्ट होगा एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वन फाइन डे दे कॉल अस एंड दे टोल्ड अस कि आपका जो जो ये शो है हम जो बना रहे हैं वो स्क्रैप कर दिया है चैनल में. सो सब कुछ स्क्रैप. एंड ऑब्वियसली यू डोंट नो कि कैसे रिएक्ट करना है, बिकॉज सी मैं वैसी फैमिली से तो बिलोंग नहीं करती थी कि जहाँ पे मेरे पास बहुत पैसे होते थे. और क्योंकि अगर मैं 12-13 टाइम अहमदाबाद से मुंबई आ रही हूँ तो मेरा खर्चा हो रहा है, हम कहाँ रह रहे हैं, खाना पीना एवरीथिंग, लाइक वो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता था हमारे लिए. एंड वो सारी चीज़ें, उसके बाद हमने घर रेंट पे लिया था, काफ़ी चीज़ें बसाई थी, थोड़ा बहुत किचन का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो तो मतलब ऐसे हो गया कि अब क्या.
फिर ऐसा हुआ कि वो सारी चीज़ें हमने वापस कर दी, लाइक घर कर दे दिया वापस, जो भी हमने बसाया था वो हमने वापस जाने की तैयारी, हाँ वो हमने सब बेच दिया। फिर हम वापस चले गए एंड मीनवाइल तब तक मेरा नाइन्थ का फाइनल एग्जाम आ गया था। सो मैंने अपना एग्जाम वगैरह दिया एंड आई थिंक इन लाइक 15-20 डेज द सेम कास्टिंग डायरेक्टर कॉल्ड अस अगेन एंड ही वाज लाइक आई एम कास्टिंग फॉर वन मोर शो, तो मैं चाहता हूँ कि आप आओ और आप उसके लिए भी ऑडिशन करो। सो हाँ मतलब हम वापस गए थे उस टाइम पे। अच्छा मतलब फैमिली ने नहीं बोला यार बार-बार बुलाया जा रहा है फिर ऐसे ही होने वाला है? ऑडिशन हो गया, उन्होंने बोला हमें शाम तक का टाइम दे दो, we'll see अगर क्या होता है, आप सिलेक्ट होते हो कि नहीं होते हो। एंड इन द इवनिंग दे टोल्ड अस कि आप सिलेक्ट हो गए हो। अच्छा ओके या एंड या तो वो मेरा पहला शो था गुलाल, स्टारप्लस का एक शो था जो बेसिकली शो रनिंग शो था, जनरेशन लीप हो रहा था तो जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो रहे थे। सो हाँ तो उस तरीके से मेरा पहला शो हुआ। कितने साल चला वो? नहीं कितने साल नहीं चला, आई वर्कड इन दैट शो फॉर अबाउट 6 months, 6 months, 6 महीने काम किया। तो तब तक मेरा हो गया था 10th का हाफ ईयर कंप्लीट हो चुका था। तो जब तक वो शो खत्म हुआ मैं वापस आ गई अहमदाबाद, बिकॉज अगेन मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे तो मुझे उसकी तैयारियां करनी थी। तो ये कौन से ईयर की बात है? ईयर मुझे याद नहीं, मेरा 10th स्टैंडर्ड था तो आई थिंक 2011 या 12। ओके तब से हाँ। और तो उस टाइम पे पेमेंट क्या देते थे लोग? बजट क्या रहता था? कब क्यों करनी है भाई? उस टाइम वैसे एक आइडिया बता दो, उस टाइम का 2012 पे अच्छी पेमेंट देते थे। उस टाइम पे शो की पेमेंट अच्छी होती थी? नहीं ऑनेस्टली मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और आज भी अगर मैं सोचती हूँ तो द फैमिली दैट आई कम फ्रॉम एंड द बैकग्राउंड एंड द यू नो लाइक पापा एंड एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी बात थी एंड अभी भी बहुत बड़ी बात है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का काम मिलना स्टार्ट हो गया था? हाँ उसके बाद मेरी पढ़ाई भी साथ में चलती गई और मैं साथ में ऑडिशंस देती गई। फिर आप 10th का एग्जाम देने के बाद आए या फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑडिशन के लिए जब कॉल आई किसी कास्टिंग डायरेक्टर की? नहीं सो जब मेरा 10th चल रहा था तो आई डोंट रिमेम्बर, मे बी एक आध बार मैंने ट्रैवल किया होगा बट ऑनेस्टली इतने साल हो गए तो मुझे इतना याद नहीं है कि मैंने 10th में भी ट्रैवल किया था कि नहीं किया था, बट उस दौरान मैंने कोई शो नहीं लिया था। मेरा ये था कि एक बार बोर्ड एग्जाम्स हो जाए उसके बाद मैं फिर 11th में आपने फिर किया। फिर आप मुंबई शिफ्ट हो गए थे 11th में? नहीं मैं शिफ्ट पूरी तरह से नहीं हुई थी बिकॉज हमें शो करती थी तो ऑब्वियसली यहाँ पे रहना जरूरी है तो मैं यहाँ पे रहती थी, बट जैसे ही शो हम रैप अप करते थे तो मैं वापस चली जाती थी बिकॉज अगेन मेरा 11th था, 12th था, मेरा साइंस फील्ड था, तो स्कूल की तरफ से भी ऐसा था कि अगर बच्ची शो नहीं कर रही है तो हम चाहते हैं कि वो अपनी पूरी अटेंडेंस दे। बच्चों को ये नहीं लाइक दूसरे स्टूडेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि इसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट है, ठीक है वी आर सपोर्टिंग हर अगर वो कोई शो कर रही है, बट अगर वो कुछ नहीं कर रही है देन वी वांट हर टू कम टू द स्कूल एवरी डे, तो मैं जाती थी। तो ये शो करने के बाद तो स्कूल में वाह भाई फेमस हो गए एलिशा, एलिशा हाँ हाँ था। तो क्या बातें होती है, लड़के अलग ही लेवल पे होते होंगे फिर तो, ओ हैली आ रही है। नहीं सो तब तक ये मेरा नया दूसरा स्कूल था। अच्छा। मेरा पुराना जहाँ पे मैंने इतने साल बिताए थे ये वो स्कूल नहीं था। अच्छा। सो फॉर 11th एंड 12th नो फॉर 10th 11th एंड 12th मैं एक दूसरे स्कूल में गई थी, तो मेरे कोई फ्रेंड्स इतने थे नहीं वहाँ पे, मैं टीचर्स को नहीं जानती थी, ऑब्वियसली टीचर्स जानते थे मुझे एंड वो आई मीन दे ट्राइड ऑलवेज टू सपोर्ट मी इन एवरी थिंग कि मैं नहीं स्कूल जा रही हूँ, तो जब जब जाती थी हर एक नोट्स और एक्सपेरिमेंट्स होते थे आपके केमिस्ट्री फिजिक्स लैब के और सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा अलग ट्रीटमेंट मिलता होगा। स्पेशल ट्रीटमेंट इन अ वे ऐसा कुछ मुझे कुछ बहुत ग्रैंड ट्रीटमेंट नहीं मिलता था एंड आई
probably I wouldn't have appreciated that also. मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ ऐसा बहुत lavish सा treatment मिले, but हाँ मैं नहीं गई हूँ. Fans बन गए थे थोड़े बहुत तो TV आने के बाद. हाँ but यार school में हो आप, क्या कर सकते हो और? तो लोग लड़कों के मैसेज लेकर जाती भी थी क्योंकि अगर मैं रिक्शा से जा रही हूँ और मेरे पास कई बार ऐसा होता था स्कूल के बाद मेरे ट्यूशन क्लासेस होते थे तो फिर घर में ऑलमोस्ट 4-5 बजे तक पहुंचती थी तो स्कूल के बाद आपको मम्मी को फोन करना है या कुछ बताना है कुछ कहना है तो फोन तो मैं अपने बैग के एकदम लास्ट पॉकेट में स्विच ऑफ करके रखती थी तो जब स्कूल से आप बाहर निकलो तो आप ऑन कर लो. कभी मैंने आई डोंट रिमेम्बर मैंने स्कूल में फोन का ऐसा गलत यूज किया है. अब तो होने लगा नहीं, लॉट ऑफ टाइम्स उस टाइम पे भी अगर अलाउड नहीं होता था मैंने मुझे पता है कई क्लासमेट्स मेरे लेकर आते थे छुपके कुछ गेम खेल रहे हैं कुछ दिखा रहे हैं ऑल ऑफ दैट बट मैंने कभी नहीं किया था वैसा. एंड देन 12th के बाद आप प्रॉपर मुंबई शिफ्ट? हां 12th के बाद मैं प्रॉपर शिफ्ट हुई थी. आई थिंक 12th के बाद ही हाँ हाँ 12th के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी प्रॉपर. मुंबई में सबसे पहले काम पे शिफ्ट हुए? सो मैंने काफ़ी सारे शोज मेरे नायगांव में सेट्स होते थे तो मैं काफ़ी टाइम तक मीरा रोड में रही बिकॉज मेरे लिए कम्यूट करना बहुत ईजी था. एंड जब आप रोज शूट करते हो तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उतना टाइम सेव कर लो ट्रैवलिंग में. स्पेशली अगर आप रेंट पे रह रहे हो देन आई थिंक इट डजंट मैटर आप कहाँ से आ रहे हो. अगर 20 मिनट में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आई डोंट थिंक आपको 1.5 घंटा दूर रहने की कहीं ज़रूरत है. सो वहाँ पे थी फिर मतलब मैंने मोस्टली ऐसा ट्राई किया था कि जहाँ पे मेरा सेट होता था मैं उसके नज़दीक एक घर लेती थी उस टाइम पे. तो 12th के बाद आने के बाद शो कितने टाइम बाद मिला था? नहीं आई थिंक इन अ फ्यू मंथ्स मिल गया था वापस. मतलब इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ा जैसे हम लोग करते थे अभी भी करते हैं हम तो है ना सारे के सारे धक्के खा रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं है यार गौतम आई विल टेल यू टच. मैं जितने भी लोगों से बात किए ना सब बोलते हैं हमें आते थे ऑडिशन देते थे सिलेक्ट हो जाते थे. हम नहीं तो ऐसा भी नहीं बोलते थे बोल रहे कि हम कहीं और रहते थे हमें स्पेशल बुलाया इसलिए आपको शो मिल गया है बस ऑडिशन देना भी नहीं पड़ा. नहीं नहीं वैसी वैसा स्ट्रगल नहीं किया कि ऑडिशन देना. आई पर्सनली फील सबकी स्ट्रगल अलग होती है. अलग है. मे बी मैंने वो स्ट्रगल नहीं की कि मैंने बहुत लाइन में खड़े रहना है. हां वैसा स्ट्रगल नहीं किया बट मेरी स्ट्रगल दूसरी थी. मेरी स्ट्रगल ये थी कि मैं अपनी पढ़ाई को और अपनी अपने काम को उस टाइम पे मैं कैसे मैनेज करूँ बिकॉज ऐसे बात करना बोलना सुनना आई थिंक इट्स वेरी इजी बट जिन लोगों ने किया होता है आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मैंने किया है बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी है लाइक यू नो अपना ग्रेजुएशन और शूट वगैरह साथ में मैनेज करना या फिर आप कहीं मुंबई से नहीं हो तो आप बाहर किसी दूसरी सिटी से आए हो तो अपना एक यू नो एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना किसी दूसरी सिटी में वो एक स्ट्रगल रहती है. तो सबकी एक अपनी अलग स्ट्रगल होती है मे बी थोड़ा सा थोड़ा ऊपर नीचे होता है. तो आप गुजरात से मुंबई आए वहाँ का कल्चर अलग यहाँ का कल्चर अलग मतलब कितना आप कितनी दिक्कत हुई आपको दिक्कत है क्या क्या फेस किया? सी अहमदाबाद लाइक अभी तो बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है बट जब मैं यहाँ पर आई थी और जब उस टाइम पे अहमदाबाद था वो बहुत ही शांत बहुत ही वेरी सिंपल सिटी जहाँ पे यू नो सब दोपहर में 2 से 4, 2 से 5 सो जाते हैं. शांति पूरे मोहल्ले में. हाँ वैसा आपको एक 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 एटमॉस्फियर ही इतना कामिंग सा रहता है. सुबह आपको एक एक टिपिकल सा एनवायरनमेंट ही दिखेगा. एंड हाँ मतलब वहाँ की लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड नहीं है जहाँ पर जैसा हम यहाँ पर देखते हैं. यहाँ पे लोग इतना भाग रहे हैं. ऑफ कोर्स वहाँ पे हम देखते हैं लोगों को काम पे जाते हुए अपने घर में देखते हैं पापा चाचा एवरीबडी बट वो भागना नहीं होता इतना जहाँ यहाँ पे जैसे हम लोग भागते हैं. हम जितना भागते हैं हम इतना हसल करते हैं वहाँ पे वो सब नहीं देखा था. तो एक ऑब्वियसली एक डिफरेंट सीन देखने को मिला है. कल्चरल शॉक
ऑलमोस्ट था एंड यंग थी मैं बहुत उस टाइम पे उतनी वो तो अभी भी हो नहीं वैसी नहीं मतलब 15 साल की थी जब मैं यहाँ पर आई तो आप उतना इवॉल्व्ड नहीं होते हुए होते हो आपने बाहर की दुनिया नहीं देखी होती एंड सडनली यू आर एक्सपोज टू अ डिफरेंट वर्ल्ड इतने सारे लोग होते हैं एंड अ सिटी जहाँ पे आप कभी नहीं आए हो वैसे यू नो एंड हाँ सुना है अगेन ऑफ कोर्स मैं पापा मम्मी के साथ आई थी 2-3 बार बट वो तो घूमने आए थे हम लोग तो यहाँ पे तो मैं रह रही हूँ यहाँ पे मैं काम पे जा रही हूँ यहाँ पे अलग अलग लोगों से मिल रही हूँ एंड अगेन पीपल लाइक वो भी लोग अलग अलग जगह से हैं कुछ लोग दिल्ली से हैं कुछ लोग यूपी से हैं कुछ लोग मुंबई के हैं कुछ बंगाल से हैं सो मिक्स कल्चर इतनी डिफरेंट चीजें देखने को मिली तो मुझे ऑनेस्टली एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगा तो किसके साथ आए थे मम्मी के साथ आए थे मम्मी थी उसके बाद मम्मी थोड़ा सा अप एंड डाउन करती थी मतलब मेरा भाई उस टाइम पे छोटा था तो मेरी हाउस हेल्प मेरे साथ रहती थी तो मतलब भाई आपका 7-8 साल के में एक्टिंग में घुस गया एक्टिंग में घुस गया था आप बोल दो 6 साल छोटा है मेरा भाई बहुत छोटा था जब काम करता था उसके हाँ चाइल्ड एक्टर था जब वो बड़ा हुआ ही लॉस्ट इंटरेस्ट उसे नहीं पसंद आ रहा था ये सब अभी तो देखते नहीं हमने नहीं तो उसने तो छोड़ दिया उसने बोल दिया मुझे नहीं करना है अच्छा सो ही लॉस्ट इंटरेस्ट कंप्लीटली और आपका इंटरेस्ट नहीं था और आपका मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ करेक्ट तो ये शो आप आए आपको दूसरा शो कौन सा मिला था दूसरा शो था अलक्ष्मी स्टार प्लस का एक सिस्टर चैनल था अभी जो स्टार भारत वो पहले लाइफ ओके होता था सो लाइफ ओके के लिए मैंने एक शो किया था अलक्ष्मी हमारी सुपर बहू तो कितने साल चला वो भी एक नहीं नहीं वो भी नहीं नहीं इतना लंबा नहीं चला था वो उसके लिए करीबन हमने 9-10 महीने शूटिंग करी थी उसके बाद कौन सा सीरियल उसके बाद एक शो किया था विच वाज कॉल्ड खेलती है जिंदगी आंख में चोली फिर एक शो किया था आशी करके आशी लड़की का नाम है आशी फिर स्वरागिनी फिर देवांशी कितने शो किए अभी तक उसके बाद सूफियाना प्यार इश्क में मर जावा तो अभी का आपका डेली का रूटीन क्या होता है अभी सो सी अभी आई एम राइट नाउ आई एम नॉट शूटिंग मेरा कोई शो नहीं चल रहा है तो कुछ एक फिक्स रूटीन सा नहीं रहता है बट आई ट्राई टू यू नो डेवलप अ रूटीन सो दैट एक डिसिप्लिन बना रहे वो लोग सोचते रह जाते हैं हम भी सोचते रह जाते हैं मिलने बैठते तो नहीं नहीं 7 बजे उठो 8 बजे जिम जाओ वो उठते 10 बजे 11 बजे जिम जाए इसे कॉल करो ना 2 बजे जिम में होता है तो डेली का मेरा मैं भी यही सोचता हूँ कि जल्दी उठूँ 7 बजे उठूँ ये मेरे 2-3 रूममेट है भाई लोग ये उठने सोने ही नहीं देते 3-4 बजे तक अच्छा इनकी बातें सुनते रहो तो बंदा कैसे उठेगा 6 बजे ऐसे ही आपका भी कोई आप तो फैमिली के साथ रहते हो नहीं नहीं मैं तो मम्मी और भाई मेरे साथ रहते हैं पापा वहाँ पे हैं बिकॉज पापा का काम वहाँ पर है मम्मी का मतलब दिल नहीं लगता होगा तो पापा आते जाते रहते हैं हाँ पापा आते जाते नाउ फैमिली फुल सपोर्ट करती है कि इसके लिए फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है इनफैक्ट मुझसे ज्यादा उन्होंने हमेशा वो एक्साइटमेंट दिखाया है और तो भाई क्या कर रहा है अभी मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है छोड़ छाड़ के इंजीनियरिंग कर रहा है हाँ 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 और अभी हो जाएगा उसका इंजीनियरिंग खत्म अच्छा लाइक 6 मंथ्स आपको कभी रिजेक्शन भी मिला है ऑडिशन दिया भाई हाँ ऑफ कोर्स उसका एक्सपीरियंस बताओ ना फर्स्ट रिजेक्शन फर्स्ट का तो एकदम ऐसे याद नहीं है बट रिजेक्शन मिला है अभी भी मिलता है एंड आई थिंक जिस फील्ड में है हम जिस काम को प्रोफेशन बनाया है उसका आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंटायर जर्नी रिजेक्शन हाँ यू विल फेस इट बट
हाँ मतलब आप ऐसे डीमोटिवेट होकर थोड़ी बैठ सकते हो कि भाई हमें सिलेक्ट नहीं किया. देर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो वो लोग देखते हैं. एंड या आई मीन मे बी यू डिडंट फिट द पार्ट. और थोड़ा रिलेशन की बातें करते हैं, रिलेशन थोड़ा प्यार की बातें करते हैं, प्यार पे आते हैं. मतलब प्यार दिखना चाहिए, मतलब आप इतनी सुंदर हो, अलग ही वाइब है. मैं तो आपको अभी एक बार ही मिला हूँ, है ना, जितनी मेरी एक्टर आई है सब में सुंदर यही थी. और तो सब ऐसे ठीक ठाक ही है, बातचीत है. बताओ कौन थी आप, बताओ कोई थी क्या सुंदर लड़की? आपको कौन लगती है सुंदर अभी बताओ? हर कोई सुंदर है. नहीं आपके कोई अभी को एक्टर में आपको कौन पसंद आता है, इतने शो किए आपने, मतलब जो आपने इतने शो किए? चांदनी करके, चांदनी शर्मा करके मैंने एक एक्टर के साथ काम किया है, मतलब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बट आप नहीं जानते इसलिए से बता रही हूँ. आई थिंक शी इज वेरी ब्यूटीफुल, मेरी गर्ल क्रश है. अच्छा टीवी में? हाँ टीवी करती है ना. हाँ बॉय में? लड़कों में? हाँ वही तो बात जानना है, लड़कियों में क्या जानना. नहीं क्यों लड़कों को बताओ कौन है. आई थिंक अंकित सिवा, शी इज वेरी गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम. अंकित सिवा? अच्छा ही इज मैरिड बट वेरी हॉट. ओके सिवाज भाई. रिलेशन क्या है, मतलब कभी बॉयफ्रेंड बनाया या रहा है? हाँ अभी भी है. नहीं नहीं तो आप ये बताइए, आपका जो पहला अवार्ड था जो आप आपको मिला था, कौन से शो के लिए मिला था, क्या फीलिंग थी वो? फीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बिकॉज यू नो एक अप्रिसिएशन आपको जब मिलती है, एक थोड़ा सा वैलिडेशन मिलता है. आई मीन बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे. आई वाज लाइक सो हैप्पी. स्वरागिनी के लिए था, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था. एंड या आई मीन आई डोंट थिंक कि मैं उस फीलिंग को अब भी कुछ ऐसे वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब कर पाऊंगी, बट तो हेली जी अभी आप कैंस फेस्टिवल में गए थे, आपकी कोई फिल्म थी वहां पे, पोस्टर लॉन्च था, क्या फिल्म अवार्ड मिला है, क्या था? ओके सो मेरी फिल्म है काया पलट, जिसके पोस्टर लॉन्च के लिए हम वहाँ पर गए थे. सो बेसिकली जो फिल्म है वो सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स को हम टारगेट करने वाले हैं, तो उसका शूट हो चुका था उस टाइम पे. पोस्टर लॉन्च हमने वहाँ पर किया है. अभी राइट नाउ आई थिंक इट्स इन द एडिट्स. एंड उसके साथ साथ कैन फिल्म फेस्टिवल में लॉरियल के साथ भी गई थी. सो इट वाज लाइक टू थिंग्स एट अ टाइम. एंड आई स्टिल बिलीव वो मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट, बड़ा मोमेंट रहा है. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, बिकॉज सपना होता है लोगों का. आई डोंट थिंक कि मैंने कभी अपने लाइक यू नो इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स मैंने ऐसा कुछ सोचा था. सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी. तो हाँ, I'm really happy कि मुझे ये opportunity मिली, honestly. और इससे पहले, ये आप जाने से पहले, आप इंडोनेशिया गए थे. हाँ. उसका experience बताइए कैसा था आपको? इंडोनेशिया, I think it's very close to my heart. Also because मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ and the kind of love and warmth that I get from the people over there is so amazing. So I think इसी वजह से, because I have not got any chance कि मैं इंडोनेशिया को properly explore कर पाऊँ, but मैं जब जब गई हूँ, मैं you know मेरे fans से मिली हूँ वहाँ पर and उसी के लिए गई हूँ. So I'm always very excited. तो can जाने से पहले मैं वहाँ पे थी ऑलमोस्ट 20 दिन के लिए. वहाँ पे एक लड़का था गौतम नैनो, उसके साथ काम करके कैसा लगा आपको? बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा. मुझे कई बार बहुत गुस्सा आया था उस लड़के पे. क्या हुआ था? बहुत इरिटेटिंग लगा मुझे कई बार. वो चीजें मुझे पता है आपको किस बात पे हुआ, मैं भी मानता हूँ. नो बट आई थिंक सी ऑनेस्टली उस टाइम पे मे बी मैंने वैसा नहीं सोचा, बट आप जिस तरीके से और आप जिस थॉट प्रोसेस से वो बोल रहे थे, अच्छा आपको नहीं पता है हम बता देते हैं. बेसिकली मैं गई थी अप्रैल में एंड उस टाइम पे थोड़ा सा कोविड और यू नो वो सारी चीजें थी, थोड़ा सा ज्यादा था. एंड
जैसे मैंने कहा कि मैंने इंडोनेशिया को एक्सप्लोर नहीं किया एंड ऑल ऑफ दैट, तो मेरा मन था कि यू नो शाम को अगर मैं जल्दी फ्री हो रही हूँ या फिर मेरे पास सुबह थोड़ा सा टाइम है तो मैं कहीं पर जाऊँ, कहीं कुछ घूम के आ जाऊँ, मे बी मॉल में दो चार घंटे बिता कर आ जाऊँ. तो मैंने गौतम को कई बार पूछा कि मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दो एंड गाड़ी करके दे दो या. तो गौतम ने हमेशा मना कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, नहीं नहीं नहीं. मैंने ये बोला कि मैंने ये बोला कि अभी कोविड है, आपको एक दिन मिलेगा, आप चले जाना, मना नहीं है. बट ओके, अच्छा मैं आपको बता दूं, आपको पता नहीं है वो एक दिन के अलावा भी मैं एक और दिन गई थी. हाँ ये भी मुझे पता है कि आप बिना बताए गए हो, ये मुझे क्योंकि जब ये बता रहे थे आपने जाने नहीं दिया तो ऐसे ही जाना पड़ा. कैसे पता है बताओ? पता चल गया था कि हैली गई हुई है बाहर. आप एलो को तो बता के जाते थे ना? नहीं. मुझे पता था आप गए हो एक दिन, मैंने बोला ठीक है आप चले गए तो अब क्या बोलो. नहीं मैं लोग भी बता कर मुझे ये मैं इसलिए बोलता था उस टाइम पे कोविड बढ़ रहा था, कुछ हो जाता बढ़ रहा था ठीक है, बट मैं टोटल तीन बार मैं बाहर निकली हूं. सोचो तीन चार बार बाहर जा रहे हैं. हमें पता ही नहीं है. देखो एक बार तो एलो को भी नहीं बताया था मैंने. तो क्या किया मैंने, मैं रिसेप्शन पे गई, मैंने उनको बोला कि मुझे ना थोड़ा सा समझाओ, बिकॉज वहाँ पे ना कम्युनिकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, इंग्लिश नहीं समझता है कोई एंड बहुत से टूटी फूटी, पता नहीं क्या मैं एक्शन करके समझा रही थी वो ड्राइवर को भी. सो बेसिकली मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा थोड़ा बहुत, मैंने समझा कि कैसे करना है क्या करना है. कैश था मेरे पास तो उनका बस वही था कि आप बाहर जाओ, ऐसे गाड़ी टैक्सी वाली होती है, बस आप उनको बोलो कि यहाँ जाना है. तो मैं बैठी, मैंने उनको बोला मुझे ये वाले मॉल जाना है. सो लोग मुझे लेकर गए, आई थिंक होटल से बहुत ही नजदीक था वो मॉल, आई थिंक मैं वहीं पर गई थी. और फिर मैंने दो तीन घंटे जो शॉपिंग की है, इतनी सही शॉपिंग. बट फिर मैं जब मैं वापस आ गई ना, वो बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि कहीं मुझे लॉबी में कोई येलो मिल गया या तुम मिल गए. बट थैंकफुली कोई नहीं मिला था, मतलब एक दो जन दिख गए थे तो मैं पीछे पिलर के पीछे छुप गई थी. आई वेटेड फॉर लाइक अ कपल ऑफ सेकेंड्स एंड आई मेड श्योर कि कोई है नहीं. फिर जो मैं फटाफट भागी हूँ अपने रूम में, ऐसे भागी ना सीधा फिर सारा सामान रख. नहीं नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, बिकॉज अभी थोड़ा कोविड वहाँ सही हो गया. नहीं वो उस टाइम पे प्रॉब्लम थी कि सिचुएशन ऐसी थी. सो कमिंग बैक टू दैट, इसीलिए बट आई से कि गौतम का फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है. मे बी उस टाइम पे कई चीजों में मैंने भी शायद ओवर रिएक्ट किया, विच इज ओके. आई थिंक वो एक हीट ऑफ द मोमेंट में निकल जाता है. बट हाँ तो ऐसे ही टांकी चलता रहता है. ये तो छोटी छोटी बातें है, बड़ी बड़ी बातें होती रहती है. और आपका भी ना पीछे गाना आया था काका के साथ. हाँ जी आपका वो पहला गाना था, उससे भी पहले आपने कोई गाने वाने किए हुए हैं? नहीं उसके पहले भी गाने. हाँ आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एंड आई थिंक रिस्पांस भी जो उस गाने को मिला है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत अच्छा मिला है. सो उसके बाद ऑफर आते थे गाने के? हाँ जी. तो किए नहीं या करते हो अभी भी? कुछ कुछ किए कुछ नहीं किए. मतलब अगेन मेरा अप्रोच ऐसा था कि मुझे सारे गाने नहीं करने हैं. हाँ थोड़ा तो हाँ मतलब एक पता एक दौर ऐसा आया था, अभी थोड़ा सा फिर भी कम हो गया. ऐसा था कि इतने म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं, लाइक एक महीने में शायद 100 म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. इट वाज लाइक अ बारिश ऑफ म्यूजिक वीडियोस. तो आई मीन आई एम ग्लैड कि मैंने उतने सारे नंबर्स में नहीं किए. तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि मुझे ये गाना करना है या नहीं करना, उसके लिरिक्स से या किस ये सिंगर को देखते हो, किस प्रोडक्शन हाउस का है, क्या फील आनी चाहिए गाना सिंगर कोई भी हो. गाना सुन के फील आनी चाहिए, मतलब मुझे पर्सनली वो पसंद आना चाहिए. And I should feel that okay, I want to be a part of this अंदर project. से लगता है कि हमें करना चाहिए. You know there are these projects जब आपको लग जाता है कि नहीं यार कुछ भी हो ये तो करना है. So it has to come from within. तो आगे आपका कुछ ऐसा करने का मन जो आपको करना हो, चाहते हो कि मुझे मिले, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कह सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि, बट कई बार ऐसा होता है ना कि आपके सपने या आपकी आई नॉट इवन से सपने बट
आपकी ख्वाहिशें या जो भी आप अपनी तक रखो तो वो ज्यादा सिक्योर रहती है। पॉइंट, अगर आपको मौका मिले भाई के साथ गाना करने का तो करोगे? गाना सुनाइए आप पहले मुझे। देखा गाना सुन के फील आएगी तो करेंगे। ये भी देखते हो आपका कोएक्टर कौन है, अपोजिट में कौन है, ये भी आप देखते हो या ऐसे गाना सुन के हाँ बोल देते हो? नहीं, मैं ऑनेस्टली अभी सारी चीजें देखनी पड़ती है। कोई अननोन बंदा, नोन नहीं है हमारे भाई जैसा मेरे जैसा, तो आप गाना करोगे? आप गाना सुनाइए, पसंद आ गया तो फिर मैं कर लूंगी। ये चाहता है आप ना करो और मेरी बेइज्जती हो। दो बार मिले मुझे। मैं तो चाहता हूँ अब क्या करूँ, देखो अब शादी हो गई, अब कुछ कह भी नहीं सकते हैं, है ना, बाल बच्चे वाले हो गए हैं। वेरी नाइस। जैसे कि इंडिया में इतने सारे सेलिब्रिटी, आपका कोई क्रश तो होगा? ऐसा तो नहीं सबके क्रश होते हैं, कौन होगा? नाम तो बताइए, क्रश का नाम तो बता ही सकते हो अभी फिलहाल में। विकी कौशल, कैटरीना भाई मैडम ले गई उनको तो। क्रश है यार, क्रश है, शादीशुदा भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है? आयु भी तो क्रश हो सकती है फिर आपकी। हाँ, मैं पागल हुआ पड़ा। पहले सच में तो मैंने नाम ही पहली बार सुना। कोई बात नहीं, फोटो दिखा दे, फोटो दिखाऊंगा ताकि ठीक हो। है कौन ये? नहीं, वो बहुत प्यारी है सच में। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। आपका विकी कौशल, हाँ, और फीमेल, कभी डेट पे मौका मिले जाओगे? काम करना है उनके साथ। हाँ, काम के साथ डेट भी सही, छूट के बाद फिर व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। कैटरीना मैडम बोला नहीं यार, आई थिंक आई वुड लव टू मीट हर आल्सो, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो भी। लड़की में, लड़कियों में फीमेल क्रश आपने एक तो बता ही दिया, वो टीवी वाली लड़की, अब बॉलीवुड में बताओ। फिलहाल आई थिंक कियारा आडवाणी, वेरी स्मार्ट एंड बहुत अच्छी लगती है मुझे। पर ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने सोचा है आज तो ऐसा ही होगा एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वैसा होगा, बट फिर वो होता ही नहीं है, और ऑपोजिट हो जाता है, ये तो बहुत उल्टा ही। एंड आई डोंट नो, मैं आज ही सुबह मैं सोच रही थी कि एवरी टाइम, मतलब मुझे नहीं, साइकोलॉजी मुझे थोड़ी सी स्टडी करनी, मुझे समझना है कि क्यों ऐसा होता है। आई एम श्योर देयर इज अ स्टडी बिहाइंड दिस कि यू नो, कई बार आप सोचते हो कि ओके अब तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इधर जाने के लिए, एंड फॉर सम रीजन फिर वो कुछ होता ही नहीं है। या आपने किसी को कुछ बता दिया, उसके बाद तो वो चीज पूरी फ्लॉपी हो जाती है। जैसे दोस्तों के साथ प्लान बनाना, जैसे मैं इसके साथ एक महीने से प्लान बना रहा हूँ कश्मीर जाने का, अब चले जाओ, ये बंदा दिसंबर जाए, ओ माय गॉड, जन्नत, जन्नत होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जा चुकी हूँ, मैं नहीं गया हूँ 3 साल पहले, बट इस बंदे को एक महीने से बोला चल चलेंगे, जस्ट गो फॉर इट, आई थिंक इट विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रिप्स ऑफ योर लाइफ। अभी हेली जी इन्फ्लुएंसर का टाइम चल रहा है, किसका टाइम चल रहा है? सोशल मीडिया, हर जगह फॉलोवर्स की मांग होती है, ये आपको क्या लगता है कि ये कब तक चलने वाला है? बिकॉज आजकल कास्टिंग में ही सब जगह, एड्स में हो या टीवी में हो या फिल्म में हो, सबसे पहले आपके नंबर्स पूछे जाते हैं, कितने फॉलोवर्स है आपके, ये सही है? अच्छे एक्टर को, जो एक्टर लोग हैं उनको तो काम नहीं मिलता है बिकॉज उनके फॉलोअर्स नहीं हो पाते, यही आजकल चल रहा है जितने भी कास्टिंग। I think ये दोनों चीजों का दौर अभी चल रहा है। In fact, अभी numbers अब जाके लोगों ने थोड़ा सा consideration करने शुरू कर दिए है। अभी मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि हाँ ठीक है, अभी people do consider कि कितने आपके Instagram followers है, क्या आपका numbers है। So, और पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था। But I personally think it's a disadvantage also for the actors जिनके नंबर्स उतने नहीं है, बट आई नॉट से कि सिर्फ नंबर्स लोग देख रहे हैं, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स।
कई बार ये चीज़ एडवांटेज भी हो सकती है, कई बार ये डिसएडवांटेज भी हो सकती है. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर चीज़ का ना एक फेज आता है, उतना रहता है, फिर थोड़ा सा वो ठंडा हो जाता है, वो खत्म हो जाता है. जैसे म्यूजिक वीडियोज का बहुत आया था, अभी राइट नाउ यू विल सी उतना, यू विल नॉट सी अ लॉट मेनी म्यूजिक वीडियोज. वो एक दौर, वो अभी थोड़ा सा शांत पड़ गया है. सो अभी ना कॉन्टेंट इतना लोग बना रहे हैं, लाइक पीपल आर कंज्यूमिंग ऑल्सो अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट. बस कुछ नहीं, फ्री टाइम है, आपको बस कंज्यूम करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट, एंड यू हैव वेराइटी ऑफ पीपल कंज्यूमिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेंट. तो लोग बना भी रहे उतना, लोग ले भी रहे हैं उतना. इसीलिए ये इन्फ्लुएंसर, इतनी ब्रांडिंग्स, इतने एड्स हो रहे हैं, सारी ब्रांड डील्स हो रही है. सो ये सारी चीजें हो रही है. तो ये अभी धीरे धीरे, अभी आई थिंक ये जो अभी अभी थोड़ा सा साल के लिए है, हाँ, गर्म हुआ है, ये अभी थोड़ा सा चलेगा. देन आई थिंक देयर विल बी अ फेज जहां पे सारी चीजें थोड़ी सी कम हो जाएगी, शांत हो जाएगी. हेली जी, फ्यूचर प्रोजेक्ट मतलब अब आपको कौन से शो में देख सकते हैं, कौन सी मूवी या वेब सीरीज करना है, या वेब में प्लान है, या फिल्म का प्लान है? दिमाग में तो बहुत सारी चीजें ऑनेस्टली. सो लेट्स सी क्या क्या होगा, होता है. आई मीन या मैं उतना मैं प्लान, सो तभी जब कोई मुझे ऐसा सवाल करता है तो मेरे पास कुछ बहुत कॉन्क्रीट सा जवाब नहीं रहता है. आई मीन आई डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय हेड, बट आई जस्ट आई वुड लाइक टू गो विद द फ्लो. आई सी कि मेरे लिए उस टाइम पे मुझे क्या चीज़ सही लगती है, इंट्यूशंस मेरे क्या कहते हैं, एंड देन आई जस्ट डू इट. फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी आपकी, टीवी शो, वेब सीरीज या मूवी? तीनों चीज आपको एक साथ मिल रही है और एक चूज करनी है. वेब सीरीज. वेब का ट्रेंड चल रहा है, टाइम चल रहा है, वो भी अच्छा. दैट्स आल्सो समथिंग जो मैं पर्सनली बहुत देखती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि मैं वैसा कुछ करूँ. वैसे आपकी ग्लो का क्या राज क्या है, क्या गुजरात में सारी लड़कियां इतनी सुंदर होती हैं? चले जाओ गुजरात, जाना पड़ेगा. मैं गाना गा लेना, दिल ले गई कुड़ी गुजरात, कश्मीर ना जाके गुजरात का राउंड मार के आते हैं. नहीं 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 नहीं, अभी अभी उसने गर्मी, इलेक्शन का माहौल चल रहा है. राज बताइए इसका. इसका राज क्या है, क्या खाते हो, कैसा कुछ बहुत डिप्लोमेटिक सा आंसर चाहिए या कुछ जेन्युइन? जेन्युइन बताऊं मैं. केयर कैसे करते हैं स्किन की? कुछ नहीं यार, खूब पानी. आई थिंक ये बहुत ही अनसेड चीज़ है. हर कोई वैसे ब्रैक करता है, वो उतना पानी नहीं पीता है, बट पानी बहुत ज़रूरी है. खाना अच्छा खाना, हेल्दी, क्लीन ईटिंग. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, मैं बिल्कुल खाती हूँ. जब मन करता है, जब मुझे जिसकी ज़रूरत लगती है उस हिसाब से मैं फंक्शन करती हूँ. और ऐसा होता है ना कि किसी भी चीज़ के लिए यू डोंट हैव टू फोर्स योरसेल्फ, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना होता है उतना. बिकॉज या ठीक है, वो छोटी चीज़, वो एक वॉफल आपको खुशी देता है तो थोड़ा खा लेना चाहिए, इट्स ओके. बट फिर अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आप बाकी के दिनों में कैसे उस चीज़ को कॉम्पेंसेट करते हो. सो उतना दिमाग पे उतना प्रेशर नहीं डालना. ट्राई टू बी मेंटली वेरी हेल्दी, हैप्पी. फिजिकली ऑफकोर्स, फिजिकली सब लोग बोलते हैं, बट मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ के बारे में कोई इतना नहीं बोलता है. हालांकि अब तो लोग फिर भी बातें करना लोगों ने शुरू कर दिया है, एंड पीपल डू टॉक अ लॉट मोर अबाउट यू नो मेंटल हेल्थ एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. सो वो कहाँ स्किन से लेके मैं वहाँ चली गई, बट आई थिंक वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, बिल्कुल करती है वो रिफ्लेक्ट. एंड आई थिंक दैट्स इट एंड अ गुड स्किन केयर. आई थिंक वो हमें नहीं भूलना चाहिए. जितना हम अंदर से हम अपने आप को रखेंगे क्लीन एंड फ्रेश, उतना ही थोड़ा सा बाहर से भी स्किन उतनी जरूरत होती है. सो और कभी ऐसा फेस आया क्या कि आपको लगा यार डिप्रेशन हुआ हो, टेंशन में जा रहे हो, काम नहीं है, बैड फेस? बिल्कुल आपकी लाइफ का बैड फेस कोई? आई थिंक लो मोमेंट्स हर किसी की लाइफ में आते हैं. इट्स जस्ट दैट हम
आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा यू नो हो गया है, बट पीपल ऑलवेज प्रेफर कि वो हमेशा उतनी ही हैप्पी मोमेंट्स या कुछ और ही, मतलब यू नो आपको वो सारी चीजें आपको पोस्ट नहीं करनी है, दैट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स योर चॉइस आप कैसे अपने सोशल मीडिया को हैंडल करते हो, बट देन पीपल डू अज्यूम कि अच्छा ये लोग ऐसे ऐसे पोस्ट करे दैट मीन्स देयर लाइफ इज जस्ट दिस, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है, आपने जितना पोस्ट किया उससे भी परे, इनफैक्ट उससे ही अलग आपकी दुनिया होती है, आपकी जिंदगी होती है, दिस इज जस्ट लाइक अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड लो मोमेंट्स आते हैं, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, तो आई मीन तो उस फेज से निकलते कैसे आप लोग, क्या करते हैं? सी सबका एक अलग कोपिंग मैकेनिज्म होता है, एक सिचुएशन को हैंडल करने का एक अलग सा तरीका रहता है. सो इवन आई हैव डिस्कवर्ड इतने सालों में, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, समझा है कि क्या चीज़ें मुझे खुशी देती है, क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क करती है. देयर वाज अ टाइम ऑलमोस्ट 3-4 years back जब मैं एक शो नहीं कर रही थी एंड मैंने कुछ थोड़ा सा गैप ले रखा था, तो जब एक 1.5 साल का गैप था व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग, तब काफ़ी बार ऐसे बहुत ऐसे एक ऐसे मोमेंट्स आते थे वेयर आई वुड फील लाइक कि शायद मैंने उस शो को मना कर दिया, वाज इट अ रॉन्ग डिसीजन, मुझे ले लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था. एंड उस टाइम पे ऑब्वियसली अगर आज मैं 26 की हूँ तो उस टाइम पे मैं 22 की थी, किसकी थी, तो उस टाइम पे उतना थिंकिंग भी उतना इवॉल्व नहीं था. सो कई बार मुझे ऐसे रहता था, रेस्टलेस, पेशेंस नहीं होते थे, यू डू फील वेरी लो, आपको समझ में नहीं आता है, तो यू नो आप बस सीखते हो. बट आई थिंक वन थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप मेंटली उतना अवेयर रखो, उतना कॉन्शियस रखो कि आप कुछ बहुत ड्रास्टिक कुछ गलत स्टेप ना ले रहो. एंड वन थिंग आई पर्सनली फील जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इज कम्युनिकेशन. मुझे पहले बहुत वैसा होता था बिकॉज आई एम अ वेरी सिंपल तो मैं बोल चुकी हूँ बहुत बार, बट आई एम एन इंट्रोवर्ट. मैं बहुत टाइम लेती हूँ खुलने में, बात करने में. हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं एंड आई नो दैट दिस इज ऑलमोस्ट अ वर्क फॉर मी, हमें बात करनी है, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग. बट प्रॉबेबली गौतम को पता होगा हम जब 20 दिन एक साथ थे, आई डोंट रिमेम्बर कि हमने इतनी बातें कर ली. 20 दिन की बातें मतलब इससे भी कम थी, इससे कम, इसका आई थिंक 1% भी नहीं था. सो आई डू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन ओपनिंग अप. तो मैंने इतने सालों में ये एक्सपीरियंस किया है दैट कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार आप लो फील करते हो तो आप बात करोगे थोड़ा सा, इट कैन बी एनी बडी, बिकॉज मेरे लिए ऐसा होता था उस टाइम पे कि मैं मे बी अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकती थी, मे बी आई उतना मुझे यू नो आप धीरे धीरे चीज़ें सीखते हो. तो या आई मीन आई थिंग्स दैट वर्क फॉर मी इज जर्नलिंग. अगर मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, आई जस्ट राइट इट डाउन, मुझे जो जो कहना होता है मैं लिख लेती हूँ. यू नो इट जस्ट हेल्प्स टू क्लेंज योर माइंड, वो थॉट्स थोड़े से क्लटर जो रहते हैं ना वो कम हो जाते हैं. कुछ कर लो यार, मतलब मैं कुछ शो देख लेती हूँ, थोड़ा सा उस मोमेंट के लिए डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ. कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, आई मीन ऑफ कोर्स आई डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं करती रहती हूँ व्हेन आई हैव दैट काइंड ऑफ फेस. तो हेली जी, कभी अगर आपको ऑफर मिले बिग बॉस का, तो आप करना चाहोगी? करना चाहोगी तो क्यों, और ना करना चाहोगी तो क्यों, बताइए. इतनी अच्छी बातें करी हमने, ये सवाल क्यों रखा है? देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो आजकल सभी आ रहे हैं, ट्रेंड है, ट्रेंड है. मैं ऑनेस्टली उस टाइम पे देखूंगी, अगर मुझे फील होता है कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी, नहीं होता है तो नहीं करूंगी. अभी देखते हो आप? नहीं देखते? नहीं, बिल्कुल नहीं. कौन गया हुआ है? कोई नहीं. और आपने अपनी हार्ड अर्न मनी से सबसे पहली कार कौन सी ली थी और कब ली थी? अच्छा, सबसे पहली गाड़ी, यार ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छा इन द सेंस ये बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, बहुत प्रेशियस मोमेंट है, बट हार्डली कोई ये सवाल पूछता है.
मैंने जब मैं अलक्ष्मी शो कर रही थी तब मैंने गाड़ी खरीदी थी, बीट शेवरोले की एक बीट करके गाड़ी थी, छोटी सी कॉम्पैक्ट सी क्यूट सी कार थी, तो वो ली थी। रस्टिक गोल्डन कलर था, बहुत डिफरेंट कलर था, बट ऐसे वो झटाक कलर नहीं था, अच्छा कलर था एंड मुझे बहुत पसंद थी। बट अच्छा फन फन फैक्ट, मैंने कभी उस गाड़ी को बेचा नहीं, मेरी गाड़ी चोरी हो गई। उसका भी फिर कुछ नहीं, वो इंश्योरेंस पैसे, इंश्योरेंस से पैसे दे दिए बट गाड़ी मुझे कभी वापस नहीं मिली। कहाँ से चोरी हुई थी? नहीं, हाँ यहीं से, तो ऑलमोस्ट काफी साल हो गए थे, 5 साल हो गए थे, और मैं हमेशा से मतलब 6 महीने से मैं सिर्फ प्लान कर रही थी कि मुझे दूसरी गाड़ी लेनी है, मैं लूंगी, मैं बस टाल रही थी फॉर सम रीजन, बिकॉज सी वो मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी एंड मुझे ऑनेस्टली ऐसा था कि हाँ ठीक है मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, बट वो मेरी कुछ बहुत बड़ी जरूरत नहीं थी, यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि मेरा जो पर्पस था वो मेरी वो गाड़ी सॉल्व कर रही थी। बट मतलब मैंने इस चीज को इस तरीके से जस्टिफाई किया है, आई डोंट नो क्या रीजन है क्यों हुआ, बट तो एक दिन मैं सुबह मेरे बिल्डिंग मतलब मैं शूट जाने के लिए आई और मेरा ड्राइवर कॉल करता है, मैडम गाड़ी कहाँ रखी आपने? गाड़ी चोरी हो गई है। मैं जहाँ पे रहती थी तो वहाँ पे टेनेंट्स के लिए ना बिल्डिंग के अंदर पार्किंग नहीं था, बाहर करना था, मुंबई में सबसे बड़ा दिक्कत, तो मतलब हाँ, तो उस टाइम पे ऐसे था, तो मैंने बोला कि देखो वहीं पर है गाड़ी, तो मेरी गाड़ी बाहर रोड पे थी। अच्छा। और ठीक है, फिर हमने क्या फील हुआ, क्या रोना रोने लगे? हाँ मैं पहले तो मैं बहुत पैनिक हो गई थी, बहुत ज्यादा, एक एक होता है कि ये तो ऐसी चीज आपने पहली बार फेस करी एंड इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। शूट पे जाना था मुझे, मैं लेट हो गई ऑब्वियसली, और मैंने कॉल करके बोल दिया मेरी गाड़ी नहीं है, चोरी हो गई है, ये वो, मेरा एक अलग ड्रामा, बिकॉज मैं अकेले थी, मैं, मेरा ड्राइवर, मेरी हाउस हेल्प, बस हम तीन, ये एक वियर्ड सी सिचुएशन को हम हैंडल कर रहे हैं, मैं FIR करवाने जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, वहाँ पे अच्छा सर अच्छे ढंग से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये कितनी पुरानी बात है मैं बताती हूँ, 5 साल पुरानी बात है, पाँच या 6 साल पुरानी बात है, तो नहीं 5 साल पुरानी बात है, 5 साल तो मतलब है ना, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, ये वो, तो मतलब हाँ वो एक काफी वियर्ड, काफी देर लग जाती है समझने में, ऐसा हो गया है, पहले ट्राई करते हैं, मैं कहीं छोटी करके चीजें नहीं, नहीं गाड़ी हमने है। तो हमने तो हाँ गाड़ी चोरी, गाड़ी बड़ी बात होती है चोरी के, मैंने दिमाग में, हमने तो सीसीटीवी में पूरा फुटेज देखा कि कौन आया, कैसे लेकर गया, कितने बजे लेकर गया। इनफैक्ट उस दिन मैं रात में शूट से बहुत लेट आई थी, ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे तक गाड़ी पार्क करके हम लोग घर गए थे, एंड कार चोरी हुई है 3:30 बजे। अच्छा। 3:30 से 4 बजे के बीच में बंदा पकड़ा नहीं गया, उसके बाद कैसे पकड़ा जाएगा? कटवा दी हुई गाड़ी वो हो जाता है, वो लोग तुरंत ही डिसमेंटल कर देते हैं पूरी गाड़ी को, पार्ट्स ही अलग कर दिए, आपको समझ ही नहीं आएगा। बट हाँ मतलब वैसा था, तो और फिर उसके बाद तो मुझे गाड़ी लेनी ही पड़ी, मजबूरी हो गई। फिर कौन सी ली? फिर मैंने ली होंडा सिटी, होंडा सिटी छोटी सी, आप लंबी पे आ गए। हाँ ठीक है, अभी ये तो चोरी नहीं, ये सोसाइटी के अंदर। अभी तो अभी मुंबई में आप बोलते हो पहले फैमिली इतनी भी रिच नहीं थी, ऐसा पैसा वैसा नहीं था, अभी लाइफ कैसी चल रही है, क्या चल रहा है लाइफ में? नहीं, पैसा था, बट इट्स जस्ट दैट आप हमेशा सोच समझ कर आप स्पेंड करते हो, उतना आपके पास वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होता है कि आपको आपने जहाँ पे हाथ रखा या जो सोचा वो आपने ले लिया। सो I mean, yeah. So now you have your own house in Mumbai? Yes. अच्छा, नई अपनी गाड़ी, अपना घर, बड़ी बात है। Yeah. तो हेली जी बहुत हुआ अब तक क्वेश्चन, बट अब आपके साथ खेलते हैं रैपिड फायर। अच्छा। रेडी हो? जी बिल्कुल। और रैपिड फायर में अगर आपने तेज जवाब दिए और सही जवाब दिए, आपको मिलेगा नित्यानंद फार्म्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। गिफ्ट हैम्पर। ठीक है। अच्छा जी, रेडियो तो शुरुआत करते हैं। इंडियन शो या पाकिस्तानी शो? इंडियन शोज। ओके।
किस एक्ट्रेस को आप एडमायर करते हो टीवी और मूवी में? किस एक्टर को मैं एडमायर एक्ट्रेस को एडमायर करती हूँ? आई थिंक आई रियली लाइक आलिया'स वर्क, आलिया भट्ट. आलिया भट्ट, ओके. तो कभी ऐसा हुआ है डायरेक्टर की टीवी शो में कोई डायरेक्टर या क्रिएटिव आप पे चिल्लाया हो काम की वजह से कि अच्छा नहीं कर रही है, एक्टिंग नहीं कर रही है, सही से कर? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ. शुरुआत में ज़रूर हुआ है. ओके. किस और हाँ, इन बिटवीन भी होता रहता है, मतलब अगर डांट पड़ गई या कुछ, विच इज़ ओके. ओके. किस एक्टर और डायरेक्टर के साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो? बहुत सारे हैं, बट आई रियली वांट टू वर्क विद संजय लीला भंसाली सर. ओके. और एक्टर? एक्टर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन. ओहो. विकी कौशल? लिस्ट लंबी है, प्लीज लेट्स नॉट गेट देयर. ओके. कभी अपने को एक्टर के साथ फ्लर्ट किया है? हाना टाइप्स. हाना मतलब बीच में रहा है. ओके. आपकी सबसे वियर्डेस्ट हैबिट? वियर्डेस्ट हैबिट, मुझे ऐसे चीजें ना वो एक एंगल में चाहिए, पर्टिकुलर एंगल में ही चाहिए, टेढ़ी रहेगी या थोड़ी सी, हाँ सीधी ही चाहिए. ओके. इट्स जस्ट इन मी. तो मैं अपने घर में भी अगर खा रही हूँ और अगर मैंने टेबल पे कुछ टेढ़ा देख लिया तो मैं उठ के थोड़ा सीधा कर लूंगी, फिर मैं बैठ जाऊंगी. डिस्क्राइब योरसेल्फ इन थ्री वर्ड. सिंपल, रियल एंड एम्बिशियस. ओके. आपको अपने अंदर तीन बुरी चीजें क्या लगती हैं? बुरी चीजें, आई नॉट से बुरी चीजें, बट हाँ मे बी दीज आर सम थिंग्स दैट आई कैन वर्क ऑन. पेशेंस लेवल, सेंस ऑफ ह्यूमर. ओके. एंड व्हाट एल्स? लाइफ टाइम अगर मौका मिले इंडिया और तो इंडोनेशिया रहने का, तो आप रहोगे या नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं. काम अच्छा मिले, पैसा अच्छा मिले? नहीं. इंडिया अपना? इंडिया. आपको कोई यूजलेस टैलेंट? यूजलेस टैलेंट, हाँ मैं अपने हर एक हड्डियों में से वो आवाज निकाल सकती हूँ. हाँ, ऐसी वाली, इधर से ऐसे करके, ऐसे करके. तो सही है, यूजलेस नहीं है तो बैकग्राउंड म्यूजिक देता हो. या सो दिस इज लाइक माय यूजलेस टैलेंट. ऐसी कोई चीजें हैं जिस पे आप अपना पूरा पैसा लगाना चाहते हो खरीदने के लिए? ऐसी चीजें नहीं, कोई ऐसी चीजें पसंद नहीं है? नहीं. आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन? ड्रीम डेस्टिनेशन कभी सोचा ही नहीं, बिकॉज बहुत सारी जगह घूमनी बाकी है एंड आई डोंट थिंक आई हैव. आई थिंक नेदरलैंड्स. आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे लड़कियों को ज्यादा व्यू मिलते हैं कंपेयर टू बॉय? आई पर्सनली फील कंटेंट मैटर करता है. अगर कंटेंट उतना ग्रेट है तो आपको मिलेगा, आपको उतने व्यूज मिलेंगे. अगर कंटेंट नहीं है अप्रोप्रिएट तो नहीं मिलेगा. आजकल तो कंटेंट भी नहीं है लड़कियों को, क्रिंज कंटेंट बनता है. कुछ होंगे, मतलब आई डोंट नो. मेरे नजरिए में, मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे मेल कंटेंट क्रिएटर्स भी है जिनके बहुत अच्छी रीच है और जो बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं. लाइक मैं पर्सनली जाकर कई बार, लाइक आई डू फॉलो देम, बट मैं कई बार जाकर देखती हूँ कि उन्होंने क्या पोस्ट किए हैं. एंड लड़कियों का भी सेम है, कई बार रेपिटेटिव हो जाती है. विद गर्ल्स आई पर्सनली फील कंटेंट बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हो जाता है बिकॉज बहुत ज्यादा क्रिएटर्स है और सेम टाइप का कंटेंट है. ये रैपिड फायर में से काफी लंबा आंसर बन चुका है, बट दिस इज माय टेक. हेली शाह अगर एक्ट्रेस ना होती, इस इंडस्ट्री में ना होती, तो क्या होती? हालांकि मुझे लगता है दैट मेरी डेस्टिनी में था एक्टर बनना, तभी ऑप्शन नहीं रहा. बट अगर नहीं रहती तो मैं डॉक्टर होती. ओके. और अगर आपको एक मौका मिले एक आइलैंड पे जाना है विद योर फेवरेट सेलिब्रिटी, तो कौन होगा? अकेले, कल्ले 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 कल्ले? आई थिंक मैं अपनी फ्रेंड्स को लेकर जाती. हमने फ्रेंड्स की बात नहीं है, मेरे एक्टर फ्रेंड्स हैं ना. हाँ, तो नाम बताओ. लड़के, लड़के की बात हो रही है. लड़के की बात हो रही है? मेल. क्यों यार, लड़कियों को भी ले जाना बेटा अभी. अच्छा, आई थिंक कोई फन, कोई एंटरटेनिंग लड़का होगा तो रणवीर सिंह. ओह माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट चॉइस. यस एब्सोल्युटली. तो बहुत मजा भी होगा, बहुत ऐसे सही टाइम होगा.
आपको एक सुपर पावर मिलती है गायब होने की, आप बॉलीवुड के किस सेलिब्रिटी घर में जाना चाहोगे उसके सीक्रेट्स जानने के लिए? सीक्रेट्स नहीं जानना है, मे बी आई जस्ट वांट वुड लाइक टू सी कि वो लोग कैसे रहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। कौन है वो लड़का? दीपिका पादुकोण। और लड़के में इतना कुछ है नहीं, मतलब इंटरेस्ट नहीं है मुझे, उतनी क्यूरियोसिटी नहीं है ऑनेस्टली, बट दीपिका पादुकोण। ओके ओके, व्हाट्स योर गिल्टी प्लेजर? स्वीट्स। स्वीट्स, डेजर्ट्स। ओके, आपको क्या लगता है, लक ज्यादा काम करता है या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क, मिक्स ऑफ बोथ, मिक्सचर होना चाहिए, दोनों चीज अपनी अपनी जगह। आपको लगता है इंडियन फैंस आपके ज्यादा लॉयल है या इंडोनेशियन फैंस ज्यादा लॉयल है? वाओ, आई थिंक दोनों। आई थिंक मैं दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव सीन लॉयल्टी फ्रॉम बोथ साइड्स, इंडियन फैंस आल्सो एंड इंडोनेशियन फैंस आल्सो। ओके, कभी कोई आपके इंडियन फैंस ने, इंडियन या इंडोनेशियन वो जहाँ के भी फैंस आपके, कोई आपके लिए पागलपन किया है कुछ अलग ही फैन मूवमेंट कोई? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है, जैसे आई मीन कोई आपसे मिला है एंड दे जस्ट स्टार्ट क्राइंग एंड बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाना, मुझे बहुत आई मीन दीज मोमेंट्स आर वेरी प्रेशियस, व्हाट है ना, दिल को छू जाते हैं। सो शेयर करो ना ऐसा एक्सपीरियंस। कोई शेयर करो, मेरा ऐसा पहला एक्सपीरियंस तब था जब मैं एक शो कर रही थी झलक दिखला जा, तब वहाँ पर मुझसे मिलने एक लड़की आई थी और जो मुझे मिलके एकदम ही रोने लगी थी, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटी थी मुझसे, बट हाँ एकदम रोने लगी थी, एंड आई दैट वाज लाइक माय फर्स्ट एवर यू नो इंटरेक्शन ऐसा वाला, एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी ओवरवेल्म्ड कि क्या हो गया, एंड मेरे को भी थोड़ा सा ऐसे, आई वॉज ऑल्सो वेरी टियरी आईड, सो दैट वॉज लाइक द फर्स्ट मोमेंट इट्स अ फैन इंटरेक्शन। तो आप अगर आपको शादी करने का मौका मिले, वो तो हो गई ऑब्वियसली, मौका तो सबको मिलेगा, तो आप क्या एक लड़की में क्या देखते हो, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग, एक वेवलेंथ मैच होना बहुत जरूरी है, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि मेरा बहुत ग्रेट नहीं है तो मैं चाहूँगी कि यू नो एक थोड़ा सा बैलेंस बना रहे, तो थोड़ा सा वो एक ह्यूमर रिलेशनशिप में रहता है तो बड़ा सही रहता है, अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो, आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी पहले मैटर करती है, बाकी सारी लुक्स है या वो सारी चीज़ें मैं प्रॉबेबली मैं बाद में देखूंगी, बट अगर ये सारी चीज़ें सोच मैच करती है, यू नो एक वाइब आपको समझ आती है, मिलती है, और एक होता है ना कि इंस्टेंट क्लिक रहता है, तो आई मीन दीज थिंग्स मैटर। व्हाट टर्न्स यू ऑन? What is this question? Question तो ठीक है, आपने जैसे पूछा है। I'm very sorry. Very sweet. Very innocent. बता दो ना प्लीज। ऐसे ही बोलो, पूछ रही हूँ दोबारा, बताओ प्लीज। मैं कितने प्यार से बैठा हुआ ऐसे सुनने के लिए बैठा। I'm speechless. हेली जी, अभी इतनी सारी फिल्में आई हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको जो सबसे अजीब फिल्में आपने लास्ट कौन सी देखी है, सबसे बेकार फिल्म जो लगा यार क्यों टाइम वेस्ट किया मैंने? इसके बारे में कल ही मैं सोच रही थी, तो मुझे ना एक मैं यूजुअली हॉरर फिल्में नहीं देखती हूँ, एक तो मुझे बहुत डर भी लगता है और देखा नहीं चाहता है, मतलब इट्स जस्ट नॉट द जॉनर दैट आई लाइक। तो मुझे ना किसी ने बोला था कि कुछ दो फिल्में देखनी ही देखनी है हॉरर की, तो इसी ब्लैक मैजिक और थोड़ा सा उस जोन में था, एक तो वो फॉरेन फिल्म थी और मुझे ना एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं बता नहीं सकती हूँ, बट इरानियन या उस वहाँ की कहीं की थी, एंड
मैंने देखा और मुझे लगा मैंने क्यों देखी. अब अगेन मैं नाम में कल ही मैं पूरा अपना मैंने है ना अपना हिस्ट्री व्हाट्सएप हिस्ट्री सर्च कर डाला पर मुझे वो नाम नहीं मिला. यूजुअली हॉरर फिल्म में मुझे नहीं समझ आती है ये मैं बता सकती हूँ. अपनी बॉलीवुड की बताओ. बॉलीवुड की मुझे कौन सी नहीं पसंद आई ऐसा कुछ नहीं है. कुछ ऑप्शन दे दो चलो. अब आपको कौन सी पसंद नहीं मार खा. मुझे तो बड़ी एंटरटेनिंग लगी थी ऑनेस्टली. अच्छा? मतलब हाँ 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 इतना कुछ बहुत ग्रेट ऐसा होता है बट मैं थिएटर में देखने गई थी और मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगी थी. तो इतनी गई हो देखने थिएटर में कोई तो होगी क्या वेस्ट कर दिया टाइम. रजनीकांत सर की एक फिल्म आई थी जिसमें अक्षय कुमार विलन था. वो देखने गई थी और वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी. मेरी दोस्त मुझे बहुत जबरदस्ती लेकर गई थी. मुझे जबरदस्ती लेकर गई थी. मैंने पूरी फिल्म देखी थी. ऐसा नहीं है मे भी मैंने उस इंटरेस्ट के साथ देखी होती तो शायद मुझे पसंद आती. आई डोंट नो बट नींद आई थी उसमें. नींद आने लगी थी. हाँ मुझे ऐसा लगा मैं क्यों आई हूँ देखने. कोई ऐसी मूवी जो आप देखने गए और बीच में छोड़ के वापस आ गए. कभी नहीं ऐसा. पूरी तो मैं देखूंगी देख कर वापस आऊंगी. कुछ वैसा नहीं होना चाहिए. वो कॉफी शॉर्ट्स रखे होने चाहिए कि अगर जवाब नहीं देना तो ठीक है वो शॉर्ट पी लो. कुछ ऐसे सा होना चाहिए था ना कि अगर लाइक आई शुड हैव अ चांस कि लाइक अ चॉइस कि मुझे वो आंसर नहीं करना है तो ठीक है मैं ये कर सकती हूँ. तो अब तक तो सारे शॉर्ट्स खत्म हो चुके होते. कुछ एडवाइस दीजिए जो आपके फैंस इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या कोई भी लड़का लड़की आना चाहते हैं उनको कुछ बताइए क्या करना चाहिए. किस तैयारी के साथ आना चाहिए उन्हें मुंबई अगर आते हैं तो. आई थिंक तैयारियां तो सबकी अपनी अपनी होती है. सबका एक अपना जोन होता है कि कैसे वो लोग तैयारियां करते हैं कैसे वो लोग अपने क्राफ्ट को देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं. बट मैं बस ये कहना चाहूंगी कि Never lose your patience. कई बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती है. कई बार होता है कि आपको बहुत टाइम के बाद मिलती है बट जब आपका टाइम होगा आपको ज़रूर मिलेगा. एंड डोंट लूज योर पेशेंस. डोंट लूज योर फेथ एंड कॉन्फिडेंस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कई बार होता है ना कि आपने वो लूज कर दिया ना फेथ तो रह जाओगे. तो हैली जी बड़ा मजा आया आपके साथ रैपिड फायर खेल के. हाँ तो आपको मिलता है हमारी तरफ से. बिल्कुल बड़े ही साफ साफ और तेज तेज जवाब देने के बाद आपको नित्यांडा फार्म की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलता है. थैंक यू. कैसा लगा आपको हमारे शो पे? बहुत ही अच्छा लगा ऑनेस्टली. मैं बता रही हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ जर्नी शेयर की. बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें पुरानी चीज़ों के तरफ मैं चली गई थी. एंड प्रॉबेबली मैंने वो सारे मोमेंट्स फिर से रिलिव किए याद किए. एंड मुझे ऑनेस्टली बड़ा मज़ा आया. इट वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन. प्रॉबेबली आपको लग सकता है कि मैं थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल जोन में या बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक जोन में चली गई और मैं थोड़ी सी फन नहीं रही. बट प्रॉबेबली दैट्स जस्ट मी. मैं ऐसी ही हूँ तो मतलब हाँ रैपिड फायर में अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है तो इसलिए तो आपको हैम्पर मिला है. नहीं ये तो आपने देना ही था मुझे. ये तो आपको देना ही था तो इसीलिए. बट ठीक है एनीवे आई थिंक आई हैड अ लॉट ऑफ फन. एंड मैं सारे व्यूअर्स को सबको कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा एपिसोड ये वाला तो देखा ही है बट अगर आपने और एपिसोड्स नहीं देखे हैं पॉडकास्ट अड्डा के तो प्लीज़ गो वॉच ऑल दी एपिसोड्स. एंड आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा. कुछ नई नई जानकारी मिलेगी आपकी फेवरेट एक्टर्स के बारे में. एंड आई थिंक यू बोथ आर डूइंग अ फैब जॉब. बड़े अच्छे अच्छे और कुवकी सवाल निकाल कर लेकर आ रहे हो. तो मिलते हैं नए एपिसोड में नए सेलिब्रिटी के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. नमस्ते. ये देखो वो देखो हमारा लो बजट अंग्रेज. देखो एक बार ध्यान से लगता है ध्यान से देखो. सर मुझे देखना ही उस तरफ. ये बंदा हमारा कास्टिंग में भेज देते जहां बजट अंग्रेज चाहिए होते ना. ये अब मुझे सुनाएगा. बदतमीज़.